तेरी ख्वाबों में भी भूलूं मैं सारा जहां दूरियां होने लगी दो कैसे हम लोग मेरे खेल से होंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और इस टाइम हम अपने सवाद कह रहे हो चित्राल में और कैलाश के सफर के लिए निकल चुके हैं फिलहाल चित्राल। और कितनी देर का रास्ता बिलाल भाई? 3 घंटे। 3 घंटे 9 किलोमीटर 18 किलोमीटर से 37 किलोमीटर है। और रात को अच्छा चलो जितने भी है कितने घंटे का रास्ता दिखा रहे? 3 घंटे तकरीबन 2 घंटे आप लगा लें क्योंकि यहाँ पे रोड पे है ना बड़ी अजीबो गरीब है इस टाइम। और मौसम की तरफ कहें तो यहाँ पे उस हिसाब से सर्दी नहीं है। आपने देखा होगा हमने जैकेट से पहनी एंड जैकेट पाई हुई है क्योंकि पाई है मन्ना भुले आया है। भावे सर्दी हो भावे गर्मी हो इस बंदे ने सवेरे उठते नाल ही ना चले जाना सानू नहीं समझ आती है केड़ी जींस है कितो आई है। तुहानू किन्ने दिन हो गए नहाते नू? असी जबाने वाली बात नहीं वहां जाके नहाएंगे खैर। अभी हमने कैलाश जाना है, कैलाश जाना है क्योंकि हम ना बचपन में सुनते आ रहे हैं कि कैलाश भी है ना बड़ा हैवी किस्म का है, बड़ा खरपैंस है। बिलाल को मास को और इसको बाबर साई को अब जाके देखते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमने कैलाश के बारे में सोचे है सुने हैं वो कैलाश उस पे पूरा उतरता है कि नहीं यहाँ पे पहाड़ों के अंदर हमें खान साहब मोमोज बनाते नजर आए हैं माशाल्लाह खान साहब कितने देर से बना रहे हो ये कितनी देर हो गई बनाते हुए नहीं यहाँ पे कितने अरसे से लगा रहे हो ये पुराना है वो। बहुत पुराना है। कैसा है? यार अच्छा है। अंदर क्या फिलिंग किस चीज की है? यार चिकन की फिलिंग है साथ में ये खान साहब मैदे से बनाया हाँ। खान साहब कितने का बेच रहे हैं ये? 15 का। ये लाहौर में होता आपको पता कितने का होना था? लाहौर में ये 100 रुपए का होना था। हाँ जी ये एक चाय है जो कि हमने काफी तरद्दुद के बाद जाके ढूंढी है और ये चाय देखने से ही पता लग रहा है चाय है। बिलाल साहब हमारे साथ चाय का क्या क्या प्रैंक होता रहा है ये आप अपनी जुबानी बताए। बड़े हैवी जब हम लोगों ने कहा ना कि मीठा कम डाल रहा तब उन्होंने मीठा ज्यादा ही डाला जब नहीं बोला ना कम के चक्करों में बहुत मीठा पीते हैं ये लोग। हम लोग एक कप चाय में एक चम्मच बहुत होता है नफ होता है लेकिन ये 3-4 कहने ने एक चम्मच एक कप चाय में एक चम्मच दूध होना चाहिए। हाँ हसी वक्त वो रख लिया है पलकों के नीचे ही नाम आता था जब मेरा तेरे नाम के पीछे ही थोड़ी सी थी खुशी थोड़ा ही काफी था अपने लिए थोड़े में ही काटते थे जो पल आँखों को मीचे ही बस चले जो अगर कह दूँ रब से ये गिला रोक दे दिलों के ये टूटने का सिलसिला बेघरों से घूमते रहे के घर ना मिला दर्द भी मिला हमें तो एक तरफा मिला एक तरफा ये तकरीबन आधे से ज्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया है। और भाई अभी तो रास्ता शुरू होना है तकरीबन वो खतरनाक रास्ता शुरू होना है ना लेकिन मेन हमने कवर कर लिया है ऐसी चढ़ाई है बस। और ये रोड माशाल्लाह बहुत प्यारा है आपने देखा होगा इससे पिछला क्लिप आप लोगों ने देखा ना दुनिया बोल जाएंगे अगर आप यहाँ पे आके वो क्लिप देखें। यार असल में बिलाल भाई दुख पता किस चीज का होता है कैमरा उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाता हमने इतने पैसे लगा के हमारे पास हल्का फोन नहीं है इससे अच्छा फोन है ही नहीं दुनिया में
इससे अच्छा फोन है नहीं, लेकिन इतना कमाल का व्यू वो भी नहीं दिखा सका। बिल्कुल ऐसा ही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपको आना चाहिए, बेस्ट प्लेस फॉर विजिटिंग फॉर रोड टूर, रोड ट्रिप हमारा। यहाँ पे आओ, रास्ते का भी मजा आएगा और जगह भी मजा आएगा। कैलाश तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है और ये माउंटेन्स आप देख सकते हैं। इससे पहले जो टाइम लैप्स बन रहा था हमने सोचा था कवर करेंगे, लेकिन मोबाइल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। उसके बाद बहुत खतरनाक चीजें आई हैं जो हम नहीं दिखा सके, क्योंकि उस टाइम यहाँ हम मोबाइल यूज कर सकते थे या हम गाड़ी चला सकते थे। गाड़ी का मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई थी तभी दूसरी गाड़ी जा रही थी। अगर हम गाड़ी ऐसे ना करते तो दूसरी गाड़ी ने निकला ही नहीं था और हम पीछे नहीं कर सकते थे। कहने का मकसद ये है कि हौसले के बगैर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि इन लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से चुप कराया है, एक अहमद को और एक बाबा को। अगर इनको चुप ना कराया होता तो अभी तक हम यहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे। बाकी अगर मैं आपको बाहर से अगर एक जादुई चीज दिखाऊँ, सो जस्ट वेट ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3। ये देखिए, पहले इसको जाने दें, हम उसके बाद आपको दोबारा दिखा देते हैं, क्योंकि पहले ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस यार, क्या जगह है यार, ये क्या जगह है, माशाल्लाह। अभी तक तो उम्मीद है कि जो सोच के जो सुन के हम यहाँ पे आए हैं वो देख पाए, वो पहचान पाए। ये तकरीबन हम कैलाश से 3 से 4 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे हमें हमारे शहर के भाई मिले हैं जिनकी गाड़ी यहाँ पे बंद हो गई है। फिलहाल कोशिश ये करें कि जितना नॉलेज है हमें उस हिसाब से इनकी गाड़ी सही कर दें, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, ना कोई दुकान है, ना कोई कुछ है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये लोग पहुँच जाएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार ऐसी जगह पर गाड़ी ख़राब होना। जितनी चढ़ाई का चढ़ गए हैं वो असल में मेरे ख्याल से रेंट वगैरह पर लेके आए थे, उनको आइडिया नहीं है। तो अब देखते हैं। उनकी गाड़ी का इंजन ऑयल ख़त्म हो चुका था और पानी भी तकरीबन ना होने के बराबर था, बट हमने अपनी तरफ से फुल ट्राई की है और गाड़ी ठंडी होने का वेट किया है, लेकिन वो मान नहीं रहे थे कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। अब हम तो जंड लगे हैं, लेकिन अल्लाह करे उनकी गाड़ी ठीक हो जाए, गाड़ी उनकी ठीक हो जाए, ऐसी कोई परेशान ना हो, सफर में किसी को परेशानी नहीं मिले। सफर तन्हा सफर बता जाना किधर, सफर तन्हा सफर, रहना है इसमें उम्र भर, खुद को ढूंढने चल पड़े हैं, खुद से खुद के फासले बड़े हैं, कोसते खुद को ही मना रहे, खुद से टूटते खुद से लगा रहे, सफर तन्हा सफर। राम 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 राम। एक मिनट मुझे हिसाब किताब लगाने दे, तू दूसरी साइड को करके निकाल। हाँ, उधर 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 ही उधर ही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे कोई पता नहीं चलता, आपकी गाड़ी कहीं भी फंस सकती है। जैसे कि बिलाल अभी वीडियो बना रहा था और हमारी गाड़ी फंस गई थी, बट अल्लाह का शुक्र है गाड़ी निकल गई है। और इन लोगों को जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है, इनको बाहर निकलना पड़ता है दिखे देने के लिए। यार एक समय ज़ूम करने दो यार, ये चेक करो
चल अब जाने दे। बट खैर अल्लाह का शुक्र हम निकल गए हैं, बाबर साहब आ चुके हैं। ऐ हाली बाहर जाने ने वेखन आते हो गई रे सबसे धक्का मैंने लगाया। ऐ बस कर दी अंदर बैठा रहता है। और अभी मेरे मुंह में चिप्स है, इधर मैंने क्लासिक कल्चर दिखा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर दी। और ये माशाल्लाह यहाँ के लोग और ये जगह दोनों ही बहुत प्यारे हैं यार। पहुंच गए। और सबसे पहले जो हमें चीज नजर आई है वो ये कलाश का म्यूजियम है। अंदर से मेरे ख्याल से बंद है क्योंकि। अच्छा चलो फिलहाल सबसे पहले होटल लेते हैं। सफर तन्हा सफर रहना है इसमें उम्र भर। ये रोड यहाँ पे खत्म हो चुका है। खान जी ये रोड किधर जाएगा आगे को? अफगानिस्तान काका। अच्छा लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे इस टाइम इस गाड़ी का काम नहीं है, यहाँ पे बाइक ही जा सकती है, बंदा पैदल जा सकता है। आगे रोड है अभी। है अभी आगे रोड आगे है। चाचा जी सर ड्राइव कर रहे हैं। फिलहाल भाई मैं आ चुका हूँ और लुक एट दिस, ये कैसी जगह है। और वो अपने लौंडे आ रहे हैं, ये वहीं पे उतर गए थे, ट्रैफिक फंस गई थी। तो ये जरा थोड़ा लाहौर को याद करते हुए ट्रैफिक वार्डन बने हुए थे क्योंकि यहाँ पे वार्डन वगैरह बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। और ये रोड पता नहीं कितने को जा रही है, अब जाके देखते हैं, अगर ना समझ आए तो यहीं से वापस हो जाएंगे और जाके रूम लेंगे। अभी यहाँ से ये मंदिर चेक करें एक दफा, व्हाट अ ब्यूटी। ताजी आगे जाना है कि नहीं? वो बाइकों वाले गए हैं जो सियालकोट से आए हुए थे, बाइकों वाले गए हैं जो सियालकोट से आए हुए थे, वो कह रहे थे आ जाओ। लोगों की हिम्मत है, या तो ना बंदा बाइक पे आ रहा है, एक बाइक हो थोड़ी पावरफुल। लोग भाई 70 पे आए हुए ने, 125 पे आए हुए ने। बाबर साहब हाँ वो देखी उसे पीछे बाबा सियालकोट के लोकल से हमने पता की है और वो कह रहे हैं कि असल जो कलाश है वो आगे है, लेकिन वो पीछे अंकल ने हमेशा पागल बनाया है। आई डोंट नो क्या कहना चाह रहे थे वो। और नहीं नहीं वो आगे इन्होंने पूछा कि असल जो कलाश पिंड है ना, जो असल कलाश वैली है वो वहाँ पे है। अब आए हैं एक दफा, पता नहीं जिंदगी में नेक्स्ट टाइम आते हैं कि नहीं आते, तो कोशिश यही है कि हम हर जगह से होके जाएं। आये 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 डर गया मुंडे को। आ जा यार वो भी कह रहे हैं आगे जाओ, आगे बहुत खूबसूरती है कलाश में, अभी तो शुरू हो रहा है। ये कौन सी जगह थी? ये कलाश ही है, ये कलाश वैली है ना, ये वैली लग रही है यहाँ पे सारी। आगे है 10 मिनट की मुसाफिरत है और तो इतना दूर है वहां से। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे हो सकता है, जहाँ जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे जाए। बाबर का क्लिप होगा ना वॉशरूम करना है, तो वो कहते हैं भाई वो बड़े बड़े जो पत्थर है ना, ये 5-स्टार वॉशरूम पीछे जाए, हम भी आ जाए जी। तो कलाश वैली का असल व्यू शुरू हो गया हुआ है, तो देखिए कलाशी लोग और ये देखिए एडवेंचर गाड़ी का, मतलब ये स्लीपी रोड है कितना, बट बहुत मुश्किल, हम सारे ये बाहर आ गए हैं, जैसे अली भाई अंदर है, बहुत मुश्किल है चढ़ना। ये देखिए आने दे